जय श्री सीताराम। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक बात आपको मैं बताने वाला हूं और जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत जरूरी है ये। हो सकता है कि आज का ये वीडियो आपको कई प्रकार की बीमारियों से बचा दे या धन की समस्याओं से भी बचा दे, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। प्रैक्टिकल मैं बात करूंगा और आज जब मैं मार्केट गया था, मैं बाजार गया था, तो उस विषय पर बात करूंगा। देखिए, मुझे रेफ्रिजरेटर लेना था, फ्रीज लेना था और मुझे इसकी जरूरत लगी और मैं निसंदेह मार्केट में गया और वहां पर जाकर के फ्रीज देख रहा था। क्योंकि मेरा फ्रीज पुराना हो गया था तो उसकी जगह मुझे रिप्लेस करना थी। अब चूंकि मैं खुद एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूं तो मुझे पता है कि फ्रीज रखने की जगह जो है वो कहाँ होती है। अब मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मेरा जो किचन है वो साउथ ईस्ट में है और फ्रीज रखने की जगह भी लगभग उसी जगह है जहां पर फ्रीज रखना चाहिए, साउथ ईस्ट में ही। फ्रीज साउथ ईस्ट में क्यों रखना चाहिए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि फ्रीज जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और फ्रीज के जो पीछे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल गर्म हिस्सा होता है। हाँ, भले ही फ्रीज के अंदर का हिस्सा बिल्कुल ठंडा होता है लेकिन फ्रीज के पीछे का हिस्सा गर्म होता है। पीछे के हिस्से को ही हम दीवार से टिका करके रखते हैं। टिका करके कहने का मतलब है दीवार से सटा करके रखते हैं, भले ही दूर रखते हैं लेकिन दीवार की तरफ कौन सा हिस्सा होता है? गर्म हिस्सा होता है। तो जब वो गर्म हिस्सा होता है तो निसंदेह साउथ ईस्ट जो गर्म है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की जगह है, वहीं पर फ्रीज रखा जाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में मैं निस्संदेह फ्रीज देखने गया तो वहां पर मुझे अधिकतर जो फ्रीज दिखे उनके जो रंग थे वो या तो ग्रे थे या स्टील कलर थे या ब्लैक थे। मतलब मुझे डबल डोर फ्रीज की जरूरत थी तो उनके अधिकतर फ्रीज के जो रंग थे वो ऐसे ही थे। और जब मैंने देखा, और आपको मैं बता दूं कि करीब मैं 10 या 12 साल बाद फ्रीज देखने गया था, इस बीच में मैंने फ्रीज आप देखे भी नहीं अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके घर में जब एक फ्रीज है जो 10 साल तो करीब करीब चल ही जाता है तो आपको फ्रीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने जब देखा ये तो मुझे बहुत बड़ी चिंता अपने दिमाग में आई। क्या चिंता आई? कि यार, मुझे तो पता है ये बात कि जो जगह है जहां मुझे फ्रीज रखना है वो साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए, और यदि साउथ ईस्ट में मुझे फ्रीज रखना है तो साउथ ईस्ट में ब्लैक ग्रे रंग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहां पर मुझे या तो मैं मेहरून या फिर लाल रंग का फ्रीज लूं, वही जमेगा। और अच्छा, मैं इसके अलावा फ्रीज कहीं रख भी नहीं सकता हूं। मतलब फ्रीज चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फ्रीज चूंकि एक गर्मी प्रोड्यूस करने वाला इक्विपमेंट है, तो मैं उसे साउथ ईस्ट के अलावा ना नॉर्थ में, ना नॉर्थ ईस्ट में, ना ईस्ट में, कहीं पर भी नहीं रख सकता। तो मुझे, मेरे पास ऑप्शन ही है फ्रीज को रखने के लिए साउथ ईस्ट, और उसमें भी यदि मैंने ब्लैक ग्रे स्टील ऐसे रंगों का यदि फ्रीज ले लिया, ब्लू 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 कलर भी मैंने मुझे दिखा, तो यदि मैंने ऐसा फ्रीज ले लिया तो ये तो मेरे घर में पेट संबंधी समस्याओं को पैदा कर देगा। और साउथ ईस्ट जो होता है वो धन आगमन का भी एक दिशा कहलाती है, तो धन आगमन को भी खराब करेगा और पेट संबंधी समस्या तो घर के सारे सदस्यों को पैदा कर देगा, खासतौर पर जो उस घर का मालिक है उसको तो करेगा ही करेगा। तो निसंदेह मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, मुझे ये बात पता है, मुझे इस बात का नॉलेज है। तो मैंने उनसे बात किया जो ऑनर थे उस शॉप के जहां से हम लेते हैं फ्रीज और सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। मैंने उन्हें कहा कि मुझे इस रंग का चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, इस कंपनी का तो नहीं मिलेगा जो आपको कंपनी चाहिए। मैंने कहा भैया, कंपनी कुछ भी हो जाए जाने दीजिए, वो वर्क जो है ना
ये कंपनी 5 स्टार दे रही, मुझे 4 स्टार वर्क करेगा वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे रंग जो मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए। मैं थोड़ी सी जरूरतों को कम कर लूंगा, लेकिन अब मैं वास्तु से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं रंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे दूसरा एक फ्रिज दिया, और वो दूसरा फ्रिज जो है वो अब उनके आधार पर, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके आधार पर यदि मैं ब्लैक वाला जो फ्रिज है वो लेता तो मुझे और ज्यादा अच्छे उसी प्राइस में और ज्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते, जो मैंने उसी प्राइस में दूसरा अलग रंग का जो फ्रिज लिया उसमें उतने फीचर्स नहीं है, कुछ कम है। तो मैंने कहा ये चलेगा, लेकिन कम से कम घर के सदस्य बीमार तो नहीं होंगे, कम से कम धन की समस्या तो नहीं होगी, तो मैं ये लेके आ गया। लेकिन मुझे चिंता किस बात की हुई, मैं बड़ा चिंतित हूँ। मैं जब मार्केट गया और जब मैंने उस समय फ्रीज देखा, उस समय से लेकर अभी तक मैं चिंतित हूँ, और पता नहीं मेरी चिंता कब खत्म होगी, शायद ये वीडियो बनाने के बाद खत्म हो जाए। कि यार मुझे तो ये बात पता है क्योंकि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लेकिन हर किसी को ये बात नहीं पता है। हर कोई व्यक्ति तो लुक पे जाएगा, फीचर पे जाएगा, और उसका फीचर जिसका अच्छा है वो लेगा, और जब यदि वो ये ले लेगा, और यदि चलिए उसे ये भी पता है कि साउथ ईस्ट में फ्रीज रखना चाहिए, उस वहां पर रंग भी देगा, और यदि फ्रीज का रंग ब्लू है, यदि ब्लैक है, ग्रे है, स्टील है, तो वो तो बड़ी समस्याओं को पैदा कर देगा, बहुत बड़ी समस्याओं को पैदा कर देगा। जब से फ्रीज उसे घर में आएगा तब से उसे घर में समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी जगह फ्रीज रखा नहीं जा सकता साउथ ईस्ट के अलावा, यदि आप कहें कि हम नॉर्थ में फ्रीज रख लेंगे, नॉर्थ ईस्ट में रख लेंगे वगैरह वगैरह, नहीं रखा जा सकता, क्योंकि फ्रीज आप कहेंगे ब्लू कलर जो है वो नॉर्थ का है, तो चलिए ब्लू फ्रीज को नॉर्थ दिशा में रख देते हैं, और दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि वो तो हीट प्रोड्यूस करता है, और नॉर्थ जो है वो ठंडा या फिर जल की दिशा है, तो आग और जल मिल जाएंगे तो वो तो और समस्याओं को पैदा कर देंगे। तो फ्रीज तो सिर्फ साउथ ईस्ट में रखा जाना चाहिए। तो मेरा कहना ये बनता है कि मैंने जो रंग लिया वो आपको बताता हूँ, मैं मैहरून रंग लिया, मैहरून लाल रंग, मैहरून रंग, पिंक रंग का फ्रीज आप ले सकते हैं, और फ्रीज को हमेशा साउथ ईस्ट पे आप रखें तो ही आपको फायदा करेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भारी भरकम चीजें आप लेते हैं घर में, किसी प्रकार की भारी भरकम चीजें लेते हैं, उसमें उसके जो तला होता है, जो उसका बेस होता है उन चीजों का, उसके नीचे कुछ कुछ स्टैंड या फिर कुछ भी चीज जरूर रखें, जिस जो डायरेक्टली धरती पर ना हो, डायरेक्टली आपके टाइल्स पर ना। जैसे साउथ ईस्ट में आपको, मुझे फ्रीज रखना था तो मैंने एक रेड कलर का एक स्टैंड लिया और उसके ऊपर रखा, ऐसे आप दिशाओं को देख सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर, जैसे एक मैं कहता हूं कि ओवरहेड वाटर टैंक जो होता है वो पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए और सफेद रंग का होना चाहिए, लेकिन ओवरहेड वाटर टैंक जो है भारी होता है, तो उसके नीचे यदि आप बेस बना लें, वो बेस चाहे आप ईंटों का बनाए, सीमेंट का, कंक्रीट का बनाए, लेकिन बेस बना लें तो वो और ज्यादा अच्छा वर्क करता है, अच्छा काम करता है। तो जो भी भारी भरकम चीजें होती हैं उनके नीचे एक बेस रखा जाना चाहिए। हालांकि आज का टॉपिक बेस रखने का नहीं है, आज का टॉपिक मेरी मेरी ये चिंता है कि यार कितने लोग उस फ्रीज को लेते होंगे, और इवन जो दुकानदार है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये फ्रीज लो, ब्लैक फ्रीज लो। वो तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है दूसरा फ्रीज निकलवाया, और उसमें भी उसने मुझे 2-3 बार कहा, 4 बार कहा कि सर आप जो है गलती कर रहे हैं, इसके अंदर फीचर कम है, पैसा उतना ही लगेगा। मैंने कहा चलेगा, तो मुझे उसने जो है वो बड़ा कन्विंस करने की कोशिश किया। तो दूसरे लोगों को कन्विंस तो करना बहुत आसान है। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपका किचन भले ही साउथ ईस्ट में हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे फ्रिज की बात तो मैंने कर दी, इसके अलावा माइक्रोवेव होता है, या मिक्सर हो सकता है, या चूल्हा हो सकता है, जो चूल्हा होता है वो ब्लैक कलर का,
ग्रे कलर का आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ब्लू कलर का बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और कांच वाले चूल्हे चलते हैं, कांच वाले, हाँ वो जो चूल्हे होते हैं, 3 बर्नर्स होते हैं उसमें, और नीचे कांच जैसा लगा होता है पूरा, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कांच जो है वो जल का प्रतीक है, और साउथ ईस्ट जो है वहां पर कांच रखना अपने आप में और समस्याओं को पैदा करेगा। फर्श जो होता है आप जिस पर भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, वो फर्श ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में है तो, और साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए क्योंकि अग्नि तो साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। यदि आप कहें कि कहीं दूसरी दिशा में हमारा किचन है, आप कहें नॉर्थ में किचन है, तो किचन ही गलत है। हाँ नॉर्थ में ब्लैक कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां किचन नहीं हो सकता ना, वो तो जल जल की जगह है, वहां पर अग्नि कैसे आप रखेंगे। तो अग्नि या ऐसी चीजें जो कि हीट प्रोड्यूस करती हैं, उसके लिए तो साउथ, और उसमें भी साउथ ईस्ट ही है ना। तो अगर इस बात का ध्यान रखें, बहुत छोटी सी बात जरूर है लेकिन जिंदगी पे बहुत बड़ा इफेक्ट करने वाली बात है। मैंने सोचा आपके साथ ये बात, ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो मैंने आज का ये वीडियो बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।